नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके हमारे अपने चैनल में स्कोर प्लेयर। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में हम जो है बास्केटबॉल का मैच जो है कवर करने वाले हैं। यहाँ पे जो है ये मैच होने वाला है हमारा जो है बास्केटबॉल प्रीमियर लीग सुपर बास्केटबॉल लीग का जो मैच होने वाला है बैंक ऑफ ताइवान वर्सेज युवान लक्सेन की टीम्स के बीच में जो है ये मैच होने वाला है। इस मैच को जो अभी जो है 2 घंटे जो है बाकी हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो है क्या जो है प्लेयर्स का जो है लाइनअप होने वाला है, कौन सा प्लेयर कितने टाइम के लिए जो है खेलता है, उनकी जो है न्यूज़ देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास जो है प्रोबेबली प्लेइंग 5 जो है क्या होने वाले हैं उनके बारे में जो है न्यूज़ दूंगा। आप दोनों टीम में से कौन सी टीम जो है बेस्ट होने वाली है उसका भी अपडेट आपको जो है देते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपके पास जो है प्लेयर्स की जो है चॉइस की तरफ जो है लेके चलेंगे। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हमारी जो टीम है बैंक ऑफ ताइवान, बैंक ऑफ ताइवान की जो टीम है, इस टीम्स के बारे में जो है मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेंगे मैट जोन्स आपको देखने को मिलते हैं, जो 25 मिनट जो है खेले हैं और इन्होंने जो है कितने पॉइंट्स दिए, इन्होंने जो है 15 पॉइंट्स जो है दिए हैं दोस्तों। वहीं आपको देखने को मिलेंगे यू एक्स यू चिन, जिन्होंने जो है 23 मिनट जो है खेला है और 11 पॉइंट जो है दिए हैं। फिर आपको देखने को मिलते हैं पो शिंग चैंग, ये आपको जो है 23 मिनट खेलते हुए दिखे थे और इन्होंने जो है 8 पॉइंट जो है दिए हुए हैं। यहाँ पे चार्ल्स मिचेल्स 21 मिनट खेले और 8 पॉइंट जो है दिए हैं। यहाँ पे वेन ची ली देखे हमें 20 मिनट खेलते हुए, जिन्होंने 7 पॉइंट जो है दिए हुए हैं। और यहाँ पे यूरोन व्यू देखने को मिले, जिन्होंने 2 पॉइंट जो है दिए हुए हैं। वहीं पर बात करेंगे तो हमें जो है जोंग रोंग देखने को मिले, जिन्होंने 4 पॉइंट जो है दिए हुए हैं। फिर यहाँ पर हमें रैन हैंग देखने को मिले, जिन्होंने 10 पॉइंट जो है दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है फिर हमें देखने को मिलेंगे यू जी, जिन्होंने 13 मिनट खेला है, जिन्होंने 8 पॉइंट दिए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेस्ट प्लेयरों की जो है क्या चॉइस आती है वहाँ पे आपको बताऊँ, तो यहाँ पे मैट जोन्स आपको 15 पॉइंट के साथ, एक्स यू ली जो आपको देखने को मिलते हैं 11 पॉइंट के साथ, फिर वहाँ पे आपको रेन हैंग ली देखने को मिलेंगे 10 पॉइंट के साथ। उसके बाद आपको 3 प्लेयर देखने को मिलते हैं यहाँ पे, पोचिंग चार्ल्स मिचेल और यहाँ पे आपको मिलते हैं यू ल्यू चिन, जिन्होंने 8 पॉइंट जो है लिए हुए हैं। तो आपको ये जो है बेस्ट 5 जो है देखने को जो है मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारी जो दूसरी टीम है, यहाँ पे हमारी जो टीम है योन लक्सेन की जो टीम है, इस टीम के बारे में जो है बात करेंगे। यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे चेन ज्यूलू, जो 36 मिनट खेले हैं और 28 पॉइंट जो है दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे मार्कस किनी 29 मिनट खेले हैं और 24 पॉइंट जो है दिए हुए हैं। फिर हमारे पास आते हैं सेम बुलर, जिन्होंने 21 पॉइंट जो है दिए हैं और 28 मिनट जो है खेले हैं। फिर हमारे पास आते हैं बेस्ट जो है हमारे पास जेरल्यू, जिन्होंने 13 पॉइंट जो है दिए हुए हैं और 27 पॉइंट जो है खेले हुए हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो है ये जो है 4 प्लेयर जो आते हैं योन लक्सेन के। बाकी आपको यहाँ पर लाइनअप में कौन कौन से देखने को मिलेंगे, कितने मिनट खेलेंगे, ये आप जो है स्क्रीनशॉट लेके जो है देख सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कौन से प्लेयर आपके लिए जो है बेस्ट ऑप्शन जो है हो सकते हैं दोस्तों। वहीं आपके पास जो प्लेयरों की क्या चॉइस आएगी, तो प्लेयरों की चॉइस के बारे में बात करेंगे तो आपको जो है टीम की तरफ जो है लेके चलते हैं सबसे पहले तो। हाँ, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं टीम की, तो टीम क्या हमारे पास रहने वाले हैं। तो यहाँ पे BT vs YD का जो मैच है, इस मैच को जो हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आपको जो है टीम की तरफ जो है लेके चलेंगे, हमने टीम जो है क्या बनाई है। तो यहाँ पे पॉइंट कार्ड्स हैं हमारे पास जो है पी चैंग की एक अच्छी चॉइस आती है, तो पी चैंग को हम जो है ट्राई करने वाले हैं। शूटिंग कार्ड्स हैं हमारे पास, दो ऑप्शन आते हैं। अगर बात करूँ तो यहाँ पे एम जोन्स और जी जोन, ये आपके पास जो है दो ऑप्शन आते हैं। फिर यहाँ पे स्मॉल फॉरवर्ड्स अगर मैं बात करूँ तो वायलिन हमें जो है स्मॉल फॉरवर्ड से जो देखने को मिलेंगे, जो हमारे पास एक अच्छे ऑप्शन जो होते हैं। पावर फॉरवर्ड से अगर बात करें तो एस चिन और डब्ल्यू योरैन, ये जो है हमने जो है पावर फॉरवर्ड से जो है लिए हुए हैं। फिर उसके बाद सेंटर से आपके पास आते हैं एस बुलर और सी मिचेल। अगर यहाँ पे आप सी मिचेल को जो है मिस करना चाहते हैं तो आप सी मिचेल को मिस कर सकते हैं, लेकिन सी मिचेल हमारे लिए एक अच्छी चॉइस आती है और एस बुलर एक अच्छी चॉइस आती है, इसलिए इन दोनों को जो है हमने लिया है और ये हाईली क्रेडिट पॉइंट पर जो है मिलते हैं दोस्तों। तो इनको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो है एल्ड्रेंगोन, ये एक अच्छी चॉइस आएगी। एल चेंगजू, ये एक अच्छी चॉइस आती है, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जो है एक प्लेयर जो है और आएंगे, जो हमारे को मिलते हैं यहाँ पे एम केनी, ये हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसी भी जो है टीम जो है बना सकते हैं, अगर आप इन दोनों प्लेयर में जो है चेंजेस कर सकते हैं, सी मिचेल और एस बुलर। वही एस पी की चॉइस में एस बुलर और सी मिचेल, ये दो ऑप्शन मैं आपको दूंगा, ये दोनों ऑप्शन आपके लिए अच्छी चॉइस जो है होते हैं।
अगर इस चीज़ में कुछ भी चेंजेस कुछ भी अपडेट होगा उसका अपडेट आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है प्रोवाइड कर दिया गया है, अगर आप लोग नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जो है खत्म कर देंगे और आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।